श्रीलंका में प्रेसिडेंट हाउस पर हमला हुआ है, लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया है। सदर रिहायश गाह छोड़कर भाग गए हैं। श्रीलंका में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और इस बीच सदर के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। एहतजाजियों के जरिए श्रीलंका में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं और श्रीलंका की तमाम सड़कें एहतजाजियों से भरी हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, श्रीलंका में एहतजाजी मुजाहरे के बीच ये हुजूम आप देख रहे हैं। इसके साथ ही सदर की रिहायश गाह पर एहतजाजियों ने कब्जा कर लिया है, रिहायश गाह के अंदर दाखिल हो गए और सदर गोटबाया राजपक्षे को अपनी रिहायश गाह से भागना पड़ा है, यहाँ से फरार होना पड़ा है। श्रीलंका में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। माली बहरान से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों ने आज सड़कों का रुख किया और यहाँ एहतजाज में काफी ज्यादा तादाद में मजहबी रहनुमा भी शामिल नजर आ रहे हैं। चारों तरफ श्रीलंका में एहतजाज की खबरें सामने आ रही हैं। कोलंबो की खासकर अगर बात करें तो हालात बस से बदतर होते नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां श्रीलंका के सदर गोटबाया राजपक्षे फरार हो गए हैं, भाग खड़े हुए हैं, वहीं पीएम के जरिए पार्लियामेंट सेशन बुलाने की, इमरजेंसी पार्लियामेंट सेशन बुलाने के स्पीकर से अपील की गई है। क्या श्रीलंका के हालात बेहतर हो पाएंगे? ये जो हालात बने हुए हैं इससे श्रीलंका उभर पाएगा या जो एहतजाजी एहतजाज सड़कों के ऊपर कर रहे हैं उनको रोकने के लिए हालांकि इजाफी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जो हालात मुसलसल बने हुए हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो फिक्र बढ़ाने वाली है कि श्रीलंका में क्या अनार्की की तरह श्रीलंका बढ़ रहा है। क्या ये जो भीड़, ये जो एहतजाजी नजर आ रही हैं ये आक्रामक होंगे? क्योंकि जिस तरीके से इजाफी फोर्स के जरिए इन लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, बावजूद इसके ये लोग यहां से हटने के लिए राजी नहीं है। वाजे रहे कि 11 मई को जब पीएम महिंद्रा राजपक्षे के जरिए इस्तीफा दे दिया गया था और वो भी भाग खड़े हुए थे, बावजूद इसके एहतजाजियों ने राजपक्षे के घरों में आग लगा दी थी और उसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आए थे। लेकिन आज का जो एहतजाज, आज का जो मॉब नजर आ रहा है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है और क्या श्रीलंका के अंदर हालात बेहतर हो पाएंगे? क्योंकि आज की जो मुखालिफ जो रैली है, विरोधी रैली जिसे नाम दिया गया है, उसमें एहतजाजियों की तादाद बहुत ज्यादा है। 2,20,00,000 की आबादी श्रीलंका की माली बहरान से जूझ रही है और ये हालात एकाएक पैदा नहीं हुए हैं। लोगों का शोर आप सुन सकते हैं, लोगों के जरिए सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो पूरी तरह से अब फूट गई है सड़कों के ऊपर और इन्हें कंट्रोल करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बैरिकेडिंग की गई है, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रदर्शनकारियों के जरिए, एहतजाजों के जरिए सदर राजपक्षे गोटबाया की रिहायश गाह का घेराव करने के लिए सड़कों का रुख किया गया और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल की कमी से लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं श्रीलंका के अंदर, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ना तो गैस है, ना पेट्रोल डीजल है, इमरजेंसी सर्विसेज तक आज ठप कर दी गई हैं। अगली तस्वीर आप देखेंगे कि सदर राजपक्षे गोटबाया, जो कि श्रीलंका के साथ आखिरी दम तक खड़ा होने का दावा कर रहे थे और लगातार उनके रवैये को लेकर आज जो श्रीलंकाई हैं वो एहतजाज सड़कों के ऊपर मुसलसल कर रहे थे, लेकिन आज हालात इतने ज्यादा पेचीदा हुए कि श्रीलंका की सड़कें, कोलंबो की खासकर सड़कें एहतजाजों से खचाखच भरी नजर आ रही हैं। और जब ये एहतजाजी सदर गोटबाया राजपक्षे की रिहायश गाह के ऊपर धावा बोलते हैं और ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही सदर गोटबाया राजपक्षे को लगती है वो यहाँ से भाग खड़े होते हैं। श्रीलंका का मुस्तकबिल क्या है, क्या हालात कंट्रोल होंगे और इसके लिए क्या मौजूदा पीएम कोई मैजिक, कोई करिश्मा कर पाएंगे? क्योंकि जो तादाद सड़कों के ऊपर एहतजाजों की नजर आ रही है वो फिक्र बढ़ाने वाली है।